वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चकनवीर डॉट कॉम। आज हम एक आपको फिर एक नई जानकारी देंगे कि लोग कैसे ऑनलाइन फ्रॉड करते हैं। अभी कुछ समय पहले कॉल आई थी, यह नंबर था, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इस नंबर से कॉल आई, उसने क्या किया, एक फेक मैसेज भेजा। मैसेज क्या भेजा मैं आपको दिखा रहा हूँ। उस बंदे ने ये मैसेज किया तो उसमें लिखा है, देखो RS 15,000 क्रेडिट रिसीव्ड ऑन टाइम दे रखा है, और ये लिंक योर ID और ये मोबाइल नंबर और YBL यानी UPI ID दे रखी है। मोबाइल नंबर वही जिस नंबर पे कॉल आई थी, इस नंबर पे फेक कॉल आई थी। तो सबसे बड़ी पहचान क्या करना है कि फेक की, जैसे ऊपर इसका ये नंबर आ रहा, लिख के इस नंबर से कॉल आई थी, इसी नंबर से उसने पैसा डाला है, तो ये उसने एक फर्जी मैसेज कॉपी करके भेजा है। अच्छा, जब भी पेमेंट आता है ना, तो पेमेंट आने की प्रोसेस रहती है, मैं आपको बताऊँ। तब मैसेज में उसका नंबर नहीं आएगा जब पेमेंट आएगा, तो जब पेमेंट आएगा तो फिर मैसेज आएगा ऐसा। एक मिनट, मैं दिखा रहा हूँ किधर वो दूसरा मैसेज। जब भी कोई पैसा डालता है ना, तो मैसेज ऐसा नहीं आएगा जैसे इसने भेजा था। देखो ये इसका मोबाइल नंबर लिख के आ रहा है, ठीक है। जब पेमेंट आता है ना, तो सीधा मोबाइल नंबर नहीं आएगा, बैंक का नाम लिख के आएगा। देखो जैसे बैंक का नाम लिख के आ रहा है, सेंट्रल बैंक। तो ये पेमेंट देखो ओरिजिनल आया, ये ओरिजिनल मैसेज है। जब पेमेंट आता ना, तो आपका अकाउंट नंबर लिख के आया, क्रेडिट बाई जो पेमेंट हुआ, क्रेडिट 2,000 रुपये क्रेडिट हुए हैं, टोटल 31,883 ये बैलेंस हो गया। फिर उसके बाद 15,000 क्रेडिट हुए हैं, तो ये 46,483 रुपये हो गया। तो ये क्या है, ये ओरिजिनल मैसेज हो गया, ठीक है। और जो फेक मैसेज